नमस्कार। आपने अपनी इनकम टैक्स की आईटीआर फाइल कर दी। चलिए बहुत अच्छा। रिटर्न प्रोसेस हो गई है क्या? हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पास 1399 का नोटिस आया है? आया है तो आपने क्या किया, रिप्लाई फाइल कर दिया या नहीं? अभी तक इंतजार कर रहे हैं। क्यों देर कर रहे हैं? क्योंकि 15 दिन का टाइम होता है नोटिस का रिप्लाई देने में। हमने एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाई हुई है कि यदि आपके पास नोटिस आता है तो वो रेक्टिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। आपने शायद वो वीडियो देखी होगी और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना रेक्टिफिकेशन कर भी लिया होगा। यदि नहीं किया है तो आप उस वीडियो को अब तुरंत देख लीजिएगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात ये नहीं करने जा रहे हैं कि वो रेक्टिफिकेशन कैसे होनी है। हम बात इस बात पे करने जा रहे हैं कि भाई मैंने अपने रिटर्न को फाइल कर दिया, मेरे पास में नोटिस भी आ गया डिफेक्टिव रिटर्न का। अब मैं, मेरा पॉइंट ये है कि जो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है वो 15 दिन का टाइम पीरियड भी निकल गया। अब मैं क्या करूँ? डिफेक्टिव रिटर्न का जो 15 दिन का टाइम पीरियड था वो भी मेरा एक्सपायर हो गया। अब मैं क्या करूँ, मेरी रिटर्न का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको टैक्स रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.indiantaxupdate.com पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने डिजाइनर ड्यू डेट्स और टैक्स अपडेट्स के फ्लायर्स हमसे ले सकते हैं, जो कि आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपनी फ़ोटो के साथ। नोटिस आ गया था आपके पास 1399 का, आपने उसे इग्नोर कर दिया या आप उसे भूल गए उसका रिप्लाई देने से। 15 दिन का पीरियड होता है, आप नहीं कर पाए। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? दोस्तों, जब 1399 का नोटिस आ जाता है और यदि आप उस पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी रिटर्न थी वो डिफेक्टिव रिटर्न है, वो रिटर्न इनवैलिड मान ली जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने पहले रिटर्न फाइल की थी वो रिटर्न अब आपकी कैंसिल मान ली जाएगी। अभी माना जाएगा कि आपने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की। जी हाँ, रिटर्न आपने फाइल ही नहीं की। अब आपको क्या करना होगा? अब आपको रिटर्न को दोबारा भरना होगा। जी हाँ, अब आपको अपने रिवाइज रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि ओरिजिनल तो आप एक बार फाइल कर चुके हो, ठीक है वो इनवैलिड हो गई है, लेकिन अब आपको अपने रिटर्न को रिवाइज फाइल करना होगा। आपको करना क्या होगा कि जो आपकी जो गलतियाँ ऑलरेडी हो गई थी ओरिजिनल रिटर्न में, उन सभी गलतियों को रेक्टिफाई करके बिल्कुल सही रिटर्न अब आपको रिवाइज करनी होगी और वो रिवाइज रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। अब आप कहेंगे सर, अगर 15 दिन बीत गए मेरे को नुकसान क्या हुआ? नुकसान जो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अब जो आपकी रिटर्न जाएगी वो 1391 में नहीं जाएगी, वो 1395 में इनवैलिड रिटर्न के अंदर जाएगी। दूसरा, अब आपकी लेट फाइलिंग फीस भी लगेगी, क्योंकि पहली रिटर्न जो है वो इनवैलिड हो चुकी है। तो अब इनवैलिड रिटर्न है उस पर तो आपका कुछ ऑप्शन नहीं, उस समय आपने लेट फीस नहीं दी थी, लेकिन अब आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ सकती है। तो इस केस में जो अब आपका क्या होगा कि जी अब आपको लेट फीस भी देनी होगी और उस पर जो इंटरेस्ट 234 ABC में जो इंटरेस्ट लगते हैं वो आपको इंटरेस्ट भी पे करने होंगे यदि आपकी कोई टैक्स क्लियरिंग बन रही है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें। पहली बात तो, अगर आपके पास नोटिस आए तो उस नोटिस का रिप्लाई तुरंत करें, उसको रेक्टिफिकेशन तुरंत करें। आप चाहें तो किसी कंसल्टेंट से सलाह ले सकते हैं, आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमसे सलाह लेने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि हम अगर आपको सलाह देंगे तो उसकी पेड सर्विस होगी, फ्री में हम आपको वो सलाह नहीं देंगे। जी हाँ, क्योंकि वो आपका स्पेसिफिक केस होगा, आपके केस को देखकर हमें स्टडी करना होगा कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रिप्लाई तैयार करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, उसकी सेपरेट फीस चार्ज होगी। फ्री में प्लीज़ आप एडवाइस देने के लिए हमें कॉल ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप खुद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देख लें, उसमें हमने बताया है कि किन किन रीजन से प्रॉब्लम आ सकती है और उन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर लें। तो दोस्तों, नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें, जैसे ही नोटिस आए तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपका टाइम पीरियड निकल गया है तो आप अपने रिवाइज रिटर्न को तुरंत फाइल कर दें। और एक बात आखिर में मैं और कहना चाहूँगा, वह यह कि जब आप अपने रिटर्न को फाइल करें तो विद इन 30 डेज उसको ई वेरीफाई जरूर करा लें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।